नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पंजाब में 3 दिन बाद विधानसभा चुनाव है। 20 फरवरी को जनता वोट देने घर से निकलेगी, लेकिन इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। गुरुवार को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला और पंजाब की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो मनमोहन सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से कोरोना काल में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी अपनी गलतियां मानकर सुधारने की जगह देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्यारे पंजाब वासियों, भारत आज एक अहम मोड़ पे खड़ा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश अते मणिपुर ते भैणा ते भरावां नाल उत्थे जा के देश अते सूबे दे हालात बारे चर्चा करां। मौजूदा स्थिति विच डॉक्टरां दी राय नूं ध्यान विच रखते हुए मैं इस वीडियो संदेश राही तुहाडे नाल गल कर रहा हाँ। अज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। करोना दे दौर विच केंद्र सरकार दियां कोजियां नीतियां कारण जिथे एक पासे लोग डिग रही आर्थिकता, वधदी महंगाई अते बेरोजगारी तो परेशान हन, दूजे पासे साढ़े अज दे हाकम साढ़े 7 साल सरकार चलाउन दे बाद भी अपनी गलतियां नूं मन के उन्हां विच सुधार करन दी बजाय लोकां दियां समस्यावां लई अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं जिम्मेदार ठहराउन विच लगे हन। मैं स्पष्ट तौर ते मनदा हां कि प्रधानमंत्री दे अहुदे दी एक खास महत्ता होंदी है अते इतिहास ते देश दोष लगा के अपने गुनाह घट नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री दे तौर ते 8-10 साल काम करदे हुए मैं खुद ज़्यादा बोलन दी बजाय अपने काम दे बोलन नूं तरजीह दित्ती। असी अपने सियासी लाभ लई कदे देश दी वंड नहीं कीती, कदे सच ते पर्दा पाउण दी कोशिश नहीं कीती, कदे देश अते अहुदे दी शान नूं घट नहीं होण दित्ता। हर मुश्किल दे बावजूद असी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भारत अते भारतीयां दा माण वधाया। मैनूं इस गल दी तसल्ली है कि मेरे उपर चुप, कमज़ोर अते भ्रिष्टाचार दे दोष लगाउण वाली भाजपा सरकार अते इस दियां बी ते सी टीमां दा प्रचार अज देश दे सामने बेनकाब हो गया है अते देश 2004 तो 2016 तक दे तक दे साढ़े चंगे कामां नूं याद कर रहा है। कुछ दिन पहला प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे नाम ते पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अते इत्थों दे लोकां नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती गई, जिस नूं किसी भी पक्षों नई अमल नहीं मनिया जा सकता। इस तरह किसान अंदोलन दौरान भी पंजाब अते पंजाबीयत नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती गई, जिन्हां पंजाबियों दी दलेरी, बहादुरी, देशभक्ति अते कुर्बानी नूं पूरी दुनिया सलाम करदी है, उन्हां पंजाबियों बारे की कुछ नहीं किया गया। पंजाब दी धरती विचों पैदा होए एक सच्चा भारती होण दे नाते मैं सारे मामले तो बहुत दुख होया। मौजूदा सरकार नूं
आर्थिकता दी कोई समझ नहीं है। उन्हां दियां गलत आर्थिक नीतियां कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ विच फस गया है। अज बेरोजगारी सिखर ते है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान। देश दे अन्नदाता दाने दाने दे मुहताज हो रहे हैं। देश विच समाजिक असमानता वध रही है। लोकां ते कर्जा लगातार वध रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं अते गरीब होर गरीब हो रहे हैं। पर इस सरकार दे अंकड़ियां दा धोखा करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार दी नीति अते नीयत दोनों विच खोट है। हर नीति विच स्वार्थ है अते नीयत विच नफरत अते वण। अपने स्वार्थ नूं साबित करने लई लोकां नूं जात, धर्म अते खेतर दे नां ते वंडिया जा रहा है। उन्हां नूं आपस विच लड़ाया जा रहा है। इस सरकार दा नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। उन्हां दा राष्ट्रवाद अंग्रेजी दी पाड़ो ते राज करो दी नीति ते टिकिया होया है। जिहड़ा संविधान साढ़े लोकतंत्र दा आधार है, उस संविधान ते इस सरकार नूं जरा भी भरोसा नहीं है। संविधानिक संस्थावां नूं लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। मसला सिर्फ देश दे अंदरली समस्या दा नहीं, ये सरकार विदेश नीति दे मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले एक साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नूं दबाउण दी कोशिश कीती जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साडे नालों टुटदे जा रहे हैं अते नाल ही गुआंढी देशां नाल भी साडे संबंध बिगड़दे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करदा हाँ कि हुण सत्ताधारियां नूं इह समझ आ गई होवेगी कि नेतावां नूं जबरदस्ती जफ़ी पाउण, उन्हां नूं झूठे दवाउण जां बिना बुलाए बिरयानी खाण पहुँच जाण नाल देश रिश्ते नहीं सुधर सकते। सरकार नूं ये भी समझ लेना चाहिदा है कि अपनी सूरत बदलन नाल सीरत नहीं बदलदी। जो भी सच है वो हमेशा किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। वड़ियां वड़ियां गल्लां करना बहुत आसान है, पर उन्हां गल्लां नूं अमली जामा पहनाना बहुत औखा हुंदा है। इस समय पंजाब समेत देश के पंज राज्यां विच चोणां हो रही हैं। इन्हां चोणां दा कारण पंजाब दी जनता दे सामने बड़ियां वड्डियां चुनौतियां हन, जिन्हां दा ठीक तरीके नाल मुकाबला करना बहुत जरूरी है। पंजाब दे विकास दी समस्या, खेती विच खुशहाली दी समस्या अते बेरोजगारी दी समस्या नूं सुलझाउणा बहुत जरूरी है। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरी पंजाब दी जनता अगे बेनती है कि अपना कीमती वोट वध चढ़ के कांग्रेस पार्टी नूं ही दिओ। बहुत बहुत धन्यवाद।